करके बताना भी है क्यों रुकी भी है ऐसे लाइन से, यहाँ टोल के पास है, टोल से पीछे भी है लाइन, और ये टोल के आगे भी देख लो आप कितनी लंबी लाइन है। क्या कारण है भाई, मुझे समझ में नहीं आया कारण ना। तो टायर वगैरह कर रहे थे चेक भाई, जिस चीज का डर था ना वही हो गया। ए चेक करो जरा, पीस है शिट भाई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की शिक्षा स्थली तपो, सबकी कृपा की वजह से भाई सही सलामत हमने अपना पहला ट्रिप कर दिया है अनलोड। मान लो जो पहला कंसाइनमेंट हमने भरा था अपनी गाड़ी में वो खाली हो गया है। पर ये पुल है बना हुआ, बहुत लंबा पुल है भाई ये, तो कौन सा पुल है भाई ये कमेंट करके बताना जा रहा है। जो ये देख रहे हैं दूसरी गाड़ी उस्ताद जी वाली गाड़ी भी आ गई थी, दूसरी 90-23 ये उधर गई थी इंटानगर साइड गई थी भाई ये भी गाड़ी, तो ये भी खाली करके आ गया है वहां से। हेलो गाइस, नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब और जय हिंद। तो दोस्तों कैसे हैं आप? तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ आके बक्सर बिहार से 6-7 किलोमीटर पहले आके भाई ये पेट्रोल पंप पड़ता है, यहाँ पर आके हम खड़े थे भाई, आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा। तो आपको जैसे कि मालूम है भाई मैं निकला हूँ पंजाब से पटना के लिए अपनी गाड़ी में भाई PVC पैनल लोड करके, आज है मेरा भाई Day 3। तो दिन में पार्टी वाले ने भाई मेरे को बोला था कि भाई आपको सुबह पहुंचना है 5 बजे, तो पिछले कल हम भाई पहुंच नहीं पाए सुबह क्योंकि ये माल शायद कहीं तंग जगह में उतरना है। तो उन्होंने बोला हमारे को कि भाई आप सुबह आना, अब तो सुबह आपकी गाड़ी लगवा देंगे। तो यहाँ से भाई जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ से 130-135 किलोमीटर सफ़र टोटल बचा है पटना का। तो भाई अभी 8 बजे बता रहे हैं यहाँ नो एंट्री खुलनी थी बक्सर में, तो मैं सोच रहा हूँ अभी हम पहले बिहार में एंटर हो जाते हैं, बॉर्डर पास करके आगे कहीं होटल वगैरह देखेंगे, वहीं खाना भी खाएंगे। फिर बाकी यहाँ पेट्रोल पंप पे हम 4 बजे रुके थे, यहाँ पर हमने नहाया धोया बस अभी चाय पी है, तो गाड़ी में धूप बत्ती कर दी है, अब यहाँ से निकलने के लिए रेडी है। तो चलिए फटाफट एंटर करते हैं भाई बिहार में, तो चलिए करते हैं भाई गाड़ी को स्टार्ट। चलिए दोस्तों निकल गए जी हम, और अभी मैं खड़ा हूँ भाई गंगा नदी के ब्रिज के ऊपर, और बिहार में एंट्री करने जा रहे हैं भाई। वो आ गया सामने पटना 125 आ रहा आपके अंदर, ये नया पुल बना है भाई गंगा नदी पे। मैं लास्ट 1.5 साल पहले आया था तब नहीं बना था ये, तो भाई आज इस पर एंट्री करने जा रहे हैं, थोड़ी देर में बिहार में एंटर हो जाएंगे भाई। देखो सामने बक्सर आ रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की शिक्षा स्थली तपोवन तवो भूमि में आपका हार्दिक स्वागत है। लो भाई बक्सर में हो गए जी हम एंटर, अब यहाँ से बक्सर से ले रहे हैं भाई लेफ्ट साइड पटना की तरफ को, भाई आ गया है जी बक्सर। कोई मेरा भाई देख रहा है बक्सर से तो प्लीज कमेंट कर देना भाई। लो जी भाई यहाँ आ गया रोड, यहाँ से हमको टर्न होना है। दोस्तों बहुत ही स्मूथली बिहार में एंटर कर गए हैं, अभी हम भाई पटना की तरफ हो गए हैं बक्सर से राइट लेफ्ट साइड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो अभी भाई आगे जाके कम से कम 10-15 किलोमीटर आगे जाके एक होटल दिखा हमारे को इधर माधुरी होटल, तो सोच रहे हैं भाई आज का डिनर इधर ही करते हैं। तो दिन में भी कुछ खाने में मज़ा नहीं आया भाई, तो सोच रहे हैं भाई यहीं खाएंगे अब खाना, तो उसके बाद फिर आगे के लिए जाएंगे। अब तो हमारा सफ़र ही थोड़ा रह गया, पार्टी से भी बात हो गई है, वो बोल रहे भाई सुबह आना है आपने 5 बजे। तो चलिए भाई पहले पेट पूजा कर लेते हैं अब जाके। तो भाई ये है इनका रेट लिस्ट, क्या क्या है इनके पास खाने को और रेट देख लो। तो चलिए जी आज का डिनर आ गया जी हमारा, आज हम खाने में भाई सादा थाली वो मंगाया हमने सिंपल, देख रहे अब थाली मंगाई थी, अब थाली में आया भाई चावल आए हैं और इधर दाल है, आलू की सब्जी है और एक और है सब्जी। चलो जो भी है कुल मिला के सही है भाई, बाकी आपको एंड में आपको बताते हैं भी कितना चार्ज करते हैं थाली का और खाना कैसा है खाने में। खाना पीना खा लिया है भाई और 120 रुपये थाली है भाई, यहाँ सही है खाने का रेट। तो भाई अब खाना खा के आधा घंटा हमने रेस्ट भी कर लिया है, अब खाना थोड़ा पच भी गया, अब चल रहे हैं बस चाय पीते हैं एक और चाय पी के फिर सीधा निकलते हैं अब।
क्योंकि वो पाल्टीन वाले का फिर से फोन आया था, उन्होंने लोकेशन बता दी है भी जहाँ आना है भी वहाँ पहुँच जाओ, रात में गाड़ी लगा दो भाई, सुबह जब मर्जी पहुँच जाओ, 5 बजे का बाद आपका गाड़ी भी लगवा देंगे अनलोडिंग के लिए। सोनू ले आ फिर चाय, है ना, बोल चाय के लिए फिर चलते हैं। मैं भी गाड़ी जरा स्टार्ट करता हूँ, शीशे वगैरह साफ कर देता हूँ, धूल जम रही है शीशों पे। पहुंच गए हैं जी, बिट्टा रह गया थोड़ा सा यहाँ से बिट्टा। तो यहाँ ना टोल पे देखो कैसे लाइनें लगी है गाड़ियों की, ऐसे लग रहा है भी जैसे जाम लगा होगा। ये टोल से पीछे भी ऐसा ही था और मैं दूसरी साइड से निकाल के लाया आके, मैंने देख लिया, मैं कहा ये ऐसे ही खड़ी है गाड़ियाँ। यार क्या कारण है, ज्यादातर गाड़ियाँ जितनी भी है ना बालू गिट्टी वाली है, तो भाई मेरे को कमेंट करके बताना भी है क्यों रुकी हुई ऐसे लाइन से यहाँ टोल के पास से। टोल से पीछे भी है लाइन और ये टोल के आगे भी देख लो आप कितनी लंबी लाइन है। क्या कारण है भाई, मुझे समझ में नहीं आया कारण ना, देखो। तो भाई प्लीज कमेंट करके बताना भाई, जिसको इसके बारे में पता हो भी ये गाड़ियां क्यों खड़ी है इतनी लाइन लगा के यहाँ पे। देखो गाइस, बिट्टा से पहले आके ली है ब्रेक, तो टायर वगैरह कर रहे थे चेक भाई, जिस चीज का डर था ना वही हो गया। ए चेक करो जरा, देख रहे आप घुस गया भाई इसके अंदर। रुक जा रुक जा, नहीं नहीं इधर से नहीं, ये इस साइड से निकालना पड़ेगा। ये लोग मुझे इसकी कोशिश करते हैं निकालने की यार। लो भाई देखना जरा कितना बड़ा वो गुस्सा है, लोहे का पीस है। शिट भाई, ये देखो भाई कितना बड़ा है भाई, खुद लगा लो आप आईडिया। तो शुक्र देखो साइड से गुस्सा है ऐसे और बाहर निकल गया, अंदर नहीं गया। नहीं टायर सही है भाई, बस अब ये जा सकता है, कभी भी इसका कोई पता नहीं है। मैं इसको फेंकूंगा नहीं, मैं अब इसको गाड़ी के अंदर रखूंगा। देखो तो कितना बड़ा है यार। चल चाय पी लेते अब यार, यहाँ चाय वाला है, शुक्र है भगवान का भाई बच गए। अगर ये घुस जाता अंदर तो हो गया था काम इसका भी, ऐसा अंदर नहीं गया था, देख भी लिया। चल सही है, चलो यार मैं रख दे इनको क्लास और अंदर। ऐसा भी हो जाता है कभी, बोलते हैं जब किस्मत बुरी चलती है तो क्या ही बोल रहे हैं। एक तो यार रोड ना इधर ऐसा एग्जैक्ट रोड में मतलब दिखता नहीं, रात को नीचे भी क्या है इधर क्या नहीं, उस तरह का रोड है ये। ये तो शुक्र है भाई कोई इसको ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, मान लो अंदर नहीं गया, नहीं बार बार था, लेकिन अब इसका ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं भाई। चलो क्या करें भाई, नया जोड़ा लगाएंगे इसकी जगह, फिलहाल तो चलिए चाय पीते हैं। बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है भाई भगवान का, इस टायर को फिलहाल नहीं कुछ हुआ नहीं। आप मानोगे नहीं मेरे पास जैक भी नहीं है, हमने लिया ही नहीं भाई जैक भी नहीं लिया, रॉड भी नहीं ली, बाकी सब कुछ है। और स्टेपनी खोलने वाला भी पाना नहीं था, अभी हम रुक जाते, मान लो पहुंचने वाले ही थे हम, मान लो कितना रह गया यहाँ से 30 किलोमीटर रह गया, दिक्कत आ जाती हमको अभी भाई। ये देखो चाय वाले भाई के पास आए, देखो भाई मटकी में भी चाय बना रहे हैं। एक स्पेशल वाली चाय कोई, अच्छा यही वाली पिला दो यार हमारे को भी, मटकी वाली। आज मटकी वाली भी ट्राई करते हैं भाई, मटकी वाली देखते हैं कैसी होती है चाय। पहली बार देखा मैंने भाई इनको मटकी में चाय बनाते हुए, मस्त है। बनाओ बनाओ भाई, भाई चाय इतनी मस्त थी ना भाई की, एक और डाल दो ये मटकी वाली चाय भाई, बहुत अच्छी चाय है भाई की। और साथ में देखो भाई को भी चैनल सब्सक्राइब करवा दिया मैंने, और यहाँ पर लगवा रहे भाई एडवर्टाइजमेंट हो रही है, अपना कोई भाई आएगा तो यहाँ पे भाई चाय पी लेनी भाई के पास जरूरी। जैसे बिट्टा चौक है उससे जस्ट आगे पहली दूसरी दुकान छोड़ के देखो
ये दुकान है, बिल्कुल बाबा नाम है भाई, हर कुछ बंदे भाई पर्सनली बोल रहा हूँ। चाय एक नंबर है भाई, मजा आ गया इसमें भाई की, स्पेशल चाय नहीं अच्छी चाय है भाई की, बढ़िया भाई। भाई मेरे को लगता है काफी दूर से आए हैं इधर, चाय पीने ही आए होंगे आप। सही है भाई, सही है, अच्छा नहीं सही है, सही है भाई। भाई इसकी तारीफ तो करनी चाहिए, क्योंकि मैं वैसे भी एडवर्टाइजमेंट करता रहता हूँ, जहाँ कोई चीज अच्छी मिलती है मान लो हमारे भले के लिए, वो चीज की वैसे भी वो होनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट। वेलकम इन पटना, वेलकम इन पटना गाइस। तो रात के बज रहे हैं भाई 3, अब भी आगे पहुंचे हैं भाई हम, जहां हमारी लोकेशन है ये छोटी पहाड़ी करके जगह पड़ती है 0 माइल से थोड़ा आगे हूँ। ये हमारे को बोला था अभी महिंद्रा के शोरूम के सामने रुकना आपने, तो भाई यहां गाड़ी लगाने को कोई जगह है नहीं थी, इधर थी लेकिन यहाँ पानी खड़ा है भाई रोड में नीचे, तो हमने भाई यहाँ पर लगा ली गाड़ी सेफ सी जगह, क्योंकि सामने है भी महिंद्रा का शोरूम है, तो यहाँ रास्ता जा रहा है यहीं कहीं आसपास में, ये माल अनलोड होना है हमारा। पार्टी ने बोला है सुबह आके भी आपका लेबर आ जाएगी, तो चलिए भाई सुबह मिलते हैं आपसे, फिलहाल सो जाते हैं, गुड नाइट। द नेक्स्ट मॉर्निंग, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30, तो भाई जहाँ हमने रात गाड़ी खड़ी की हुई थी वहां से अंदर लेके आ गए हम गाड़ी, जहाँ पर खाली होनी है, गली सी थी वहां जो मैं आपको रोड दिखा रहा था रात, उसमें लेके आए हम कोई 1.5 किलोमीटर आगे आके, तो अभी ये सुंदर सी लोकेशन के पास लगी है भाई गाड़ी, खाली होने के लिए लगा दी है भाई गाड़ी, और तिरपाल वगैरह खोल दिया है गाड़ी का। जा यार सोनू दिखा जरा बाहर से एक बार, है ना, तो लीजिए दोस्तों फाइनली हमारी गाड़ी भाई पूरी होगी भी अनलोड है, देख रहे हैं आप। और ये प्लास्टिक बचा होता भाई, ये पैकिंग के लिए लगाया था ना लास्ट में। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 8:30, तो जैसा कि आपने भाई पहले देखा गाड़ी हो गई थी भाई हमारी खाली, तो अभी खाली करके भाई हम ले आए हैं वहीं उसी जगह पर गाड़ी जहाँ हमने सुबह लगाई थी महिंद्रा की एजेंसी के सामने, अभी वहीं लेके आए हैं गाड़ी। फिलहाल यहाँ चाय पीने के लिए रुक रहे हैं, भाई के पास दुकान दिख रही है एक चाय की, मैं कहा चाय पी लेते हैं। तो भाई आप सब की कृपा की वजह से भाई सही सलामत हमने अपना पहला ट्रिप कर दिया है अनलोड, मान लो जो पहला कंसाइनमेंट हमने भरा था अपनी गाड़ी में वो खाली हो गया है, तो भाई अब दूसरे लोड के लिए भाई बात चल रही है। तो भाई अनुज भाई को फ़ोन किया था, तो उन्होंने एक ट्रांसपोर्टर का नंबर दिया है, तो भाई वो बुला रहा है, बोलते मुजफ्फरपुर आ जाओ, बोलते वहाँ से आपकी गाड़ी भरवा देंगे। तो देखते हैं प्लान बनाते हैं, नहीं मुजफ्फरपुर ही निकलेंगे भरने के लिए, क्योंकि यहाँ से तो कोई माल कन्फर्म हो नहीं रहा है। तो चलिए पहले चाय पीते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या बनता है, तो नहीं सीधा फिर मुजफ्फरपुर ही निकलते हैं अगर माल कन्फर्म हो जाता है। तो पहले तो जाके भाई चाय पीते हैं, और यहाँ लगाई हमने गाड़ी, बस हमारे को यहीं से मुड़ना है वापस, और पीछे वाले चौक से जाना है हमारे को राइट साइड सीधा मुजफ्फरपुर के लिए, 70 किलोमीटर है सारा यहाँ से। तो दोस्तों हम निकल गए हैं भाई मुजफ्फरपुर की तरफ, तो अभी चल रहे हैं भाई नीचे, आई थिंक गंगा नदी है उसके ऊपर ये पुल है बना हुआ, बहुत लंबा पुल है भाई ये, तो कौन सा पुल है भाई ये कमेंट करके बताना जरा, क्योंकि मेरे को पता नहीं ना, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ, तो बताना भाई काफ़ी लंबा पुल है भाई ये, इतना मेरे को पता है भी ये गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, देखो तो कितना लंबा पुल है यार। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून फ्रॉम मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों रात हम पहुंच गए थे भाई 12:30 बजे यहाँ, अभी हम खड़े हैं भाई मुजफ्फरपुर बाईपास पे। तो अनुज भाई ने भाई भेजा था हमारे को यहाँ ट्रांसपोर्ट, एक सामने PKR रोड लाइन सामने देखो, यहाँ पर आए थे भाई। तो भाई अभी तक फिलहाल कोई लोडिंग का प्रोग्राम बना नहीं, तो एक दो माल पे बात चल रही है, अब यहाँ से देखेंगे हम भर के आएंगे अपना या पंजाब हरियाणा या कहीं के लिए भी,
माल चला है यहाँ से, जैसे मक्की है या कुछ और भी माल चला हुआ है। तो अभी तक ट्रांसपोर्ट में गए थे, अभी आए बस ट्रांसपोर्ट से नीचे खाना वगैरह खाने के लिए। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको रात को ही बताया था, अभी आपकी दुआओं की वजह से सही सलामत भाई हमने अपना पहला चक्कर खाली कर लिया था। तो भाई रिटर्न के लिए लोड ले रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करना भी हमारे को आज मिल जाए भाई वापसी के लिए यहाँ से तुरंत लोड। तो भाई अपना भाई भी आ गया था खाली करके, जो ये देख रहे आप दूसरी गाड़ी उस्ताद जी वाली गाड़ी भी आ गई थी, दूसरी 90-23 ये उधर गई थी, इंटानगर साइड गई थी भाई ये भी गाड़ी। तो ये भी खाली करके आ गया है वहाँ से, फिर लोड लेके आया था ये मुजफ्फरपुर का, वो भी ने खाली कर दिया है। कहाँ खाली की तूने गाड़ी? सीतामढ़ी इधर पास में ही खाली की थी भाई ने भी। तो अब देख रहे अगर यहाँ से गाड़ी भर जाएगी हम दोनों की, तो फिर यहाँ से भर के उधर को निकल जाएंगे फिर। तो देखते हैं जो भी बनता है, बने रहना वीडियो में भाई लास्ट तक। और ये वीडियो भी भाई काफ़ी लंबी होती जा रही है, मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को मैं फिलहाल यहीं एंड करता हूँ। तो यहाँ से आगे का जो वीडियो होगा वो आप अगले वीडियो में देख लेना। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई दिल से शुक्रिया आपका, और भाई सारे बंदे कमेंट करते हैं भाई, अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं भाई, सबको मेरा दिल से शुक्रिया है। ऐसे ही भाई आप अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। अगर मेरा काम आपको अच्छा लगता है भाई तो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं भाई, ठीक है, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए जल्दी से भाई, अपने को 1 लाख की फैमिली करवानी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं भाई जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें अपनी गाड़ी भर जाए, तो बस ये प्रार्थना कर देना। बाय बाय, जय श्री राम।